टीम इंडिया में बहुत सारे यंगस्टर्स को जगह मिल रही है, चाहे आप अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, चाहे रियान पराग की बात कर लीजिए, या फिर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लीजिए। लेकिन जिस एक यंगस्टर के लिए बुरा लगता है, जिसे टीम में जगह नहीं मिल रही है, वो है ईशान किशन। ईशान किशन ने मौके पर चौका लगाया है, उन्होंने रन्स बनाए हैं, चाहे एशिया कप की बात लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ वो उनकी पारी कोई नहीं भूल सकता है जब टीम इंडिया मुश्किल में फंस चुकी थी और ईशान किशन और हार्दिक पंड्या के बीच एक क्रूशियल पार्टनरशिप हुई थी। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करी थी उसके बाद से भी, और डाउन द ऑर्डर आके बल्लेबाजी करी थी। हालांकि ओपनिंग की पोजिशन है उनकी टीम में, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 पे आके उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, रन्स भी बनाए थे। और हालांकि वो जो मुकाबला था वो बारिश के से रद्द हो गया था, रिजल्ट नहीं आ पाया था, लेकिन अगर इंडिया खेलती तो इस मुकाबले में जीतना टीम इंडिया का कंफर्म था। उसके ओडीआई वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मुकाबले उन्हें खेलने के लिए मिले, क्योंकि शुभमन गिल को डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ईशान किशन खेल रहे थे और रन भी बनाए थे, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल अवेलेबल होते हैं वैसे ही ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया जाता है टीम में। उसके बाद से फिर उन्हें स्क्वाड में रखा जाता है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी जाती है। फिर कंट्रोवर्सी होती है कि भाई बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निष्कासित कर दिया है ईशान किशन को। उसके बहुत सारे कंट्रोवर्सी होती है कि वो डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, इस वजह से उनको बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। फिर ईशान किशन खुद भी आकर सफाइयां देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। अभी इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें नहीं मिली ईशान किशन को जगह। इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 और ODI मैचेस चल रहे हैं, उसमें भी ईशान किशन को जगह नहीं मिली। लेकिन अब पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी हैं बासित अली, उन्होंने ईशान किशन पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बोला है कि आखिर क्यों ईशान किशन ने टीम इंडिया से अपनी जगह गवाई है। चलिए नजरें डालते हैं उनके स्टेटमेंट। ईशान किशन बहुत पीछे चला गया है, वो थोड़ा फैशन में लग गया था। संजू सैमसन को अच्छा प्रदर्शन करना होगा और ऋषभ पंत को भी। पंत को गौतम गंभीर T20 में देख रहे हैं, हमें वनडे में रोहित के आने पर देखना होगा। बेसिकली बासित अली ने ईशान किशन को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया और बोला कि वो बहुत ज्यादा पीछे चले गए। हालांकि ये बात गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप विकेट कीपर बैट्समैन में देखिए तो KL राहुल है, ऋषभ पंत है, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है। अभी KL राहुल को भी थोड़ा दरकिनार किया गया है। T20 और ODI में जो श्रीलंका खिलाफ टीम अनाउंस हुई है उसमें KL राहुल का नाम भी नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन और ऋषभ पंत को रखा गया, KL राहुल का नाम नहीं था उसमें भी। हालांकि कुछ लोगों ने बोला कि KL राहुल का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन ईशान किशन परफॉर्म कर रहे थे फिर भी उन्हें जगह नहीं मिली। और अभी भी टीम इंडिया में ईशान किशन के लिए जगह बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन के बारे में बात करेंगे तो ऋषभ पंत भी हैं और ईशान किशन भी हैं, लेकिन ऋषभ पंत थोड़ा सा उनसे आगे चले गए। हालांकि किसी को भी आइडिया नहीं था कि ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलेंगे। जिस तरीके का दुर्घटना के वो शिकार हुए थे, फिटनेस को लेके बहुत सवाल उठ रहे थे कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन ऋषभ पंत खेले और परफॉर्म भी किया। हालांकि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं आ पाई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईशान किशन खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, उन्हें आगे जाके मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, बहुत सारे दौरे आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा, 2025 से फरवरी में होगा। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान जाकर खेलेगी कि नहीं खेलेगी, लेकिन ईशान किशन टीम में नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ऑप्शन है विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में। अब ईशान किशन ने जगह भी बनाई है टीम में, परफॉर्म भी किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही है। इससे पहले राहुल द्रविड़ हेड कोच थे, तब भी उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही थी, और अब जब गौतम गंभीर एरा स्टार्ट हुआ है तब भी ईशान किशन अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हो सकता है 1-2 साल थोड़ा उनको लग जाए, या फिर डोमेस्टिक में खेले, या फिर IPL में बहुत धमाकेदार अगर उनका सीजन चला गया तो शायद फिर उनकी जो वापसी है वो टीम इंडिया में हो सकती है। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी।